Swayam Prabha, Digital India, Educated India. Namaskar. आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतकों से संबंधित चर्चा के श्रृंखला में आज मैं दो ऐसी नारीवादी चिंतकों की चर्चा करूंगा जिन्होंने आरंभिक रूप में आधुनिक में आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन नारीवाद से संबंधित मुद्दों पर काम किया और सिर्फ नारीवाद को उस रूप में हमें नहीं समझना है जिस रूप में आमतौर पर हम पश्चिम से आयातित एक विचार के रूप में इसे देखते हैं बल्कि सामान्य रूप से अगर हम देखें तो यह कह सकते हैं कि जो एक स्त्रियों और पुरुषों के बीच में समानता की बात होनी चाहिए और जो स्त्रियों या लड़कियों की जो एक भलाई की बात होनी चाहिए उस संदर्भ में इन दो महान चिंतकों ने या दो महान कार्यकर्ताओं ने काम किया एक जिनकी हम चर्चा करेंगे उनका नाम सावित्री बाई फुले है और दूसरी ताराबाई शिंदे सावित्री बाई फुले और ताराबाई शिंदे से के साथ साथ मैं थोड़ा सा परिचय आपको फातिमा शेख के बारे में भी दूंगा जिन्होंने सावित्री बाई फुले की मदद की उनके पहले स्कूल की स्थापना में ये तीनों ही चरित्र और विशेष रूप से सावित्री बाई फुले और ताराबाई शिंदे इनकी चर्चा हाल के दशकों में ज़्यादा वृहद रूप में सामने आई है उसके पहले ये काफ़ी हद तक नेपथ्य में रहीं लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे देश में राजनीतिक चिंतन की परंपरा विकसित हुई लोगों ने अलग अलग तरह से जो राजनीतिक चिंतक थे उनके विचारों को देखना शुरू किया तो वैसे वैसे नए ऐसे चिंतकों की बात होने लगी जो पहले नेपथ्य में थे और इन्हीं की बारे में मैं इनके और इनके काम के बारे में इनके चिंतन के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा हम शुरुआत सावित्री बाई फुले से करेंगे ये प्रसिद्ध समाज सुधारक ज्योतिबा फुले की जीवन संगिनी थी और उनके कार्यों में भी उन्होंने लगातार अपनी सहायता और अपना योगदान प्रस्तुत किया लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने अपने जीवन में जो कार्य किए यानी कि लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना करना और बहुत सारी सामाजिक रूढ़ियों को चुनौती देना वह अपने आप में एक अद्वितीय और अतुलनीय काम है और उसके बारे में हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे सावित्रीबाई बाई ज्योतिराव फुले तीन जनवरी 1831 में इनका जन्म हुआ और 10 मार्च अठारह को इनकी मृत्यु हुई वे भारत की प्रथम महिला शिक्षिका समाज सुधारिका या मराठी कवियत्री थीं उन्होंने अपने पति ज्योतिराव गोविंदराव फुले के साथ मिलकर स्त्री अधिकारों एवं शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया उन्हें आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत माना जाता है 1848 में उन्होंने बालिकाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था इनके पिता का नाम खंदोजी नेवेसे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था इनकी जाति अन्य पिछड़ा वर्ग से थी यानी कि जिसे हम अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में आज जानते हैं वो इससे संबंधित थी सावित्री बाई फुले का विवाह अठारह में ज्योतिराव फुले से हुआ विवाह के बाद अपने पति के सहयोग से सावित्री बाई फुले ने लिखना पढ़ना सीखा सावित्री बाई फुले भारत के पहले बालिका विद्यालय की पहले प्रिंसिपल और पहले किसान स्कूल के संस्थापक थीं। महात्मा ज्योतिराव फुले को महाराष्ट्र और भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन में एक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में जाना जाता है उनको महिलाओं और दलितों और अन्य पिछड़ा वर्ग जातियों को शिक्षित करने के प्रयासों के लिए जाना जाता है और उन्होंने जातिगत भेदभाव पर बहुत ही गहरा सवालिया निशान लगाया और अपने तर्कों के माध्यम से यह साबित करने की कोशिश की कि जिस तरीके का भेदभाव जाति के आधार पर समाज में विद्यमान है वह पूरी तरह से गलत है ज्योतिराव को बाद में ज्योतिबा के नाम से जाना गया और वे सावित्रीबाई के संरक्षक गुरु और समर्थक थे यहाँ हमें इस बात को याद रखना होगा कि 19वीं सदी के दूसरे भाग में और कुछ हद हाँ तक पहले भाग में भी इन 1840 में इनका विवाह होता है सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले एक ऐसे दंपत्ति के रूप में उभर कर सामने आते हैं जिसे काफी हद हाँ तक हम आदर्श दंपति कह सकते हैं जिन्होंने न सिर्फ एक दूसरे को समृद्ध किया आगे बढ़ने में मदद की बल्कि इसके साथ ही उन्होंने पूरे समाज समाज पर एक एक बदलाव की की छाप छोड़ा और और उसके लिए दोनों ने एक दूसरे के पूरक के पूरक रूप में काम किया और समाज की भलाई के लिए वे लगातार प्रयासरत रहे सावित्री बाई ने अपने जीवन को एक मिशन की तरह से जिया जिसका उद्देश्य था विधवा विवाह करवाना छुआछूत मिटाना महिलाओं की मुक्ति और दलित महिलाओं को शिक्षित बनाना वे एक कवियत्री भी थी उन्हें मराठी की आदि कवयित्री के रूप में भी जाना जाता है 5 सितंबर 1848 में पुणे में अपने पति के साथ मिलकर विभिन्न जातियों की नौ छात्राओं के साथ उन्होंने महिलाओं के लिए विद्यालय की स्थापना की एक वर्ष में सावित्रीबाई और महात्मा फुले यानी कि ज्योतिबा फुले पांच नए विद्यालय खोलने में सफल हुए तत्कालीन सरकार ने इन्हें सम्मानित भी किया एक महिला प्रिंसिपल के लिए सन अठारह में बालिका विद्यालय चलाना कितना मुश्किल रहा होगा इसकी कल्पना शायद आज भी नहीं की जा सकती लड़कियों की शिक्षा पर उस समय सामाजिक पाबंदी थी सावित्री बाई फुले उस दौर में न सिर्फ खुद पढ़ी बल्कि दूसरी लड़कियों को पढ़ने का भी बंदोबस्त किया सावित्री बाई फुले की पूरी शिक्षा घर पर हुई थी उनके पति की सहायता के द्वारा हुई थी तो वो औपचारिक रूप से स्कूल नहीं जा पाई थी लेकिन बाद में उन्होंने एक ऐसी व्यवस्थित प्रणाली बनाने की कोशिश की विद्यालयों के माध्यम से जिससे कि लड़कियां पढ़ पाए जब वो एक शिक्षिका के रूप में स्कूल जाती थी तो समाज में जो प्रभुत्वशाली लोग थे ब्राह्मण वे उन पर पत्थर मारते थे उन पर गंदगी फेंक देते थे आज से तकरीबन एक सौ नब्बे एक, एक सौ इक्यावनवे साल पहले बालिकाओं के लिए जब स्कूल खोलना पाप का काम माना जाता था तब ऐसा होता था जब सावित्री बाई कन्या को पढ़ाने के लिए स्कूल जाती थी तो रास्ते में लोग उन पर गंदगी कीचड़ गोबर विष्ठा तक फेंका करते थे और वे अपने साथ थैले में एक अन्य साड़ी लेकर चलती थी और स्कूल पहुँच कर गंदी कर दी गई साड़ी को बदल देती थी तो यह एक तरीके से एक प्रतिरोध का एक नायाब तरीका भी सावित्री बाई फूले का था जिन्होंने सामाजिक वंचनाओं या अपमानों से अपने काम को जिसे वो सही काम मानती थी उसे उन्होंने छोड़ा नहीं बल्कि शांतिपूर्वक धैर्यपूर्वक वो उस काम में लगी रहीं ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले दोनों का मानना था कि शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे महिलाएं और दबे कुचले वर्ग सशक्त बन सकते हैं और समाज के अन्य लोगों के साथ बराबरी से खड़े होने की उम्मीद कर सकते हैं दोनों ने समाज समाज सत्य की 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 तलाश के लिए समाज के शुरुआत की, जिसके माध्यम से वे विवाह प्रथा शुरू करना चाहते थे जिसमें कोई दहेज नहीं लिया जाता था उनका उद्देश्य समाज में विधवा विवाह करवाना छुआछूत मिटाना और महिलाओं की मुक्ति और दलितों को शिक्षित बनाना था और वो एक ऐसी महिला थी जिन्होंने स्त्रियों को और समाज के पिछड़े वर्गों की बारे में पीछे मैं काफी संकेत दे चुका हूँ सावित्री बाई फुले की जो एक और विशिष्टता थी एक शिक्षिका होने के साथ साथ और समाज में लगातार सुधार के लिए काम करने वाली महिला के साथ साथ कि वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवियत्री थी एक मराठी में उन्होंने बहुत सारी कृतियों की रचना की बहुत सारी कविताओं की रचना की और अगर हम उनकी विचारों को समझना चाहते हैं तो हमें उनकी कविताओं के पास भी जाना पड़ेगा हम कुछ मैं कुछ कविताओं का उदाहरण आपके सामने रखूंगा जो मराठी से हिंदी में अनुदित कविताओं का अंश है सावित्री बाई फुले एक शिक्षक और समाज सुधारक होने के साथ साथ एक कवि और प्रकृति प्रेमी भी थी उनका लेखन अद्वितीय था उनकी पहली पुस्तक काव्य फुले अठारह में प्रकाशित हुई थी महिलाओं की समस्याओं शिक्षा जाति और अधीनता के बारे में थी उन्होंने प्रकृति पर कुछ कविताएं भी लिखीं उनकी कविताएं भले ही मराठी में लिखी गई थीं किंतु उन्होंने मानवतावाद स्वतंत्रता समानता भाईचारा तर्कवाद और दूसरों भी के भी शिक्षा के महत्व जैसे मूल्यों की पूरे देश में वकालत की एक स्तर पर हम यह कह सकते हैं कि सावित्री फुले और ज्योतिबा फुले दोनों ही पश्चिमी चिंतन प्रणाली से भी काफ़ी प्रभावित थे सीधे तौर पर ऐसा नहीं था कि सावित्रीबाई बाई फुले ने बहुत सारे पाश्चात्य चिंतकों का अध्ययन किया था लेकिन मूल रूप में जो विचार अंग्रेजी शासन के आने के बाद भारत में जड़ जमा रहे थे उन विचारों को ज्योतिराव फुले ने भी तार्किक रूप से सोच विचार कर ग्रहण किया और उसका संवाद के माध्यम से प्रभाव आ, जो एक कवि के रूप में सावित्री बाई फुले सावित्री बाई फुले एक ने एक शिक्षिका के रूप में या समाज सुधार के लिए काम करने वाले व्यक्ति के रूप में ही अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं किया बल्कि वे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवियत्री भी थी और उन्होंने मराठी में अपनी कविताओं की रचना की इन कविताओं में प्रकृति के प्रति उनका प्रेम दिखता है लेकिन साथ ही सामाजिक असमानता के मुद्दे पर भी उन्होंने जोर शोर से अपनी कलम चलाई उनका लेखन अद्वितीय था उनकी पहली पुस्तक काव्य फुल्य अठारह में प्रकाशित हुई उनकी अधिकांश कविताएं महिलाओं की समस्याओं शिक्षा जाति और अधीनता के बारे में थी उन्होंने प्रकृति पर कुछ कविताएं भी लिखीं उनकी कविताएं भले ही मराठी में लिखी गई थी किंतु उन्होंने मानवतावाद स्वतंत्रता समानता भाईचारा तर्कवाद और दूसरों के बीच शिक्षा के महत्व के जैसे मूल्यों पर भी के प्रसार के भी पूरे देश में वकालत की और आ, मैं इस बात को रेखांकित करना चाहूंगा कि ज्योतिबा फुले अंग्रेजी शासन के प्रभावों को हमेशा ही नकारात्मक रूप में नहीं देखते थे बल्कि उन्होंने बहुत सारे आयामों की प्रशंसा भी की थी पाश्चात्य चिंतन से आने वाले मूल्यों की के जो नकारात्मक पहलू हैं उनकी तरफ उनका ध्यान जरूर था पर उनके सकारात्मक मूल्यों को भी वो अपनाना चाहते थे सावित्री भाई फुले पर भी और उनकी कविताओं पर भी इन विचारों का प्रभाव साफ तौर पर दिखता है सावित्री भाई पुले भी महिलाओं को या समाज के जो हास्याकृत समूह थे उनकी जो परंपरा के साथ जो भूमिकाएं उनको दी गई थी उसको अपनाए रखने के पक्ष में नहीं थी बल्कि वे तर्क की कसौटी पर हर एक सामाजिक संस्था हर एक सामाजिक मूल्य को कसने के लिए तैयार थी तो ये जो तर्कवाद और मानवतावाद की बात है ऐसा नहीं है कि भारतीय परंपरा में मूल्य नहीं थे लेकिन उस समय वो काफी हल्के पड़ गए थे रूढ़िवाद का ज्यादा वर्चस्व था और पोंगा पंथ का वर्चस्व था धर्म के नाम पर ऐसे मूल्यों को बढ़ावा दिया जा रहा था जो वास्तव में धर्म की बजाय धर्म को नकारात्मक रूप में प्रस्तुत करने वाले थे और हम बहुत सारे आधुनिक भारत के अन्य चिंतकों को देखेंगे तो उनके कार्यों में भी अलग अलग तरीके से ये बातें सामने आती हैं मिसाल के तौर पर अगर हम दयानंद सरस्वती की बात करें या फिर हम राजा राम मोहन राय की बात करें तो इन लोगों ने भी लगातार यह कोशिश की कि जो पश्चिम के मूल्य हैं उनमें से कुछ मूल्यों को ग्रहण करते हुए भारत के समाज को बेहतर बनाने के लिए उसमें सुधार करने के लिए काम किया जाए तो इन्हीं सब विचारों के आधार पर सावित्रीबाई फुले ने यह कोशिश की कि अपनी कविताओं के माध्यम से कि किस कि तरीके से वो शिक्षा का प्रसार करें किस तरीके से वो जो अज्ञानता का वातावरण है उसको दूर करें जो रूढ़ियों का वर्चस्व है उसको कम करें उनकी कुछ कविताओं की के, के बारे में मैं आ, अभी आपको उदाहरण के साथ बताऊंगा कि कैसे वो कविताएं जो अधीनता अज्ञानता और रूढ़िवाद की स्थिति है उस पर सवालिया निशान खड़े करती हैं। सावित्री बाई फुले की कविताओं जो अविनीता भारती के संपादन में हिंदी में प्रकाशित हुई हैं जो कि निश्चित रूप से मराठी कविताओं का हिंदी अनुवाद है उसके कुछ उदाहरणों पर हम ध्यान देंगे एक जगह सावित्री भाई फुले यह लिखती है कि हमारे जानी का नाम है अज्ञान, उसे धर दबोचो, मजबूत पकड़कर पीटो यानी कि वो अज्ञानता से लड़ने की बात करती हैं इस अशिक्षा रूपी अज्ञानता के कारण ही पूरा बहुजन समाज सवर्ण हिंदुओं का गुलाम बना हुआ है इनके पाखंड और कूटनीति के हथियार ज्योतिष पंचांग हस्तरेखा आदि पर व्यंग करते हुए सावित्री फुले आगे या कहती हैं ज्योतिष पंचांग हस्तरेखा में पड़े मूर्खों स्वर्ग नरक की कल्पना में रुचि पशु जीवन में ऐसे भ्रम की जगह न कोई मूर्ख मकड़ जाल से निकले नहीं हाथ पर हाथ धरे बैठे मूर्खों कैसे इंसान कहें तो यह एक तरीके से जो ज्योतिष के माध्यम से लोगों में एक निर्भरता है काल के प्रति नियति के प्रति उस पर यह तीखा प्रहार करती हैं और अगर हम आज के समाज को देखें तो हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय ज्योतिष का या ज्योतिष पर सीधे तौर पर एक ज्ञान की शाखा के रूप में कई लोग उसे मानते हैं तो अगर हम सीधे तौर पर उस पर सवाल ना भी खड़ा करें तो नियतिवाद का और उसके माध्यम से जो पोंगापन चलता है उस पर लोगों का कितना बड़ा भरोसा था ये हम अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि आज के समाज में भी यह बहुत ज्यादा है तो इस पर सावित्रीबाई बाई फुले आ, कटाक्ष करती हैं तीखा प्रहार करती हैं और वो कहते हैं कहती हैं कि ज्योतिष पंचांग और हस्तरेखा के चक्कर में पढ़कर अगर कोई सीधे तौर पर अपने काम में मन नहीं लगाता है, काम नहीं करता है और वो एक तरीके से पशु जीवन व्यतीत करता है कि जो कुछ भी होगा वो ज्योतिष के माध्यम से या हस्तरेखा के माध्यम से उसे पता होगा तो उसे हम इंसान तो नहीं कह सकते हैं वह शूद्रों के दुख को ज्योति सावित्री बाई फुले जाति के आधार पर जो शूद्र प्रताड़ना झेलते हैं उसको दो हजार साल से ही पुराना बताती हैं। इसके कारण के रूप में वो मानती हैं कि इस धरती पर ब्राह्मणों ने अपने आप को स्वयं घोषित देवता बना लिया है और उसके माध्यम से यह स्वयं घोषित ब्राह्मण देवता अपनी मक्कारी और झूठ फरेब का जाल बिछाकर उन्हें डरा धमकाकर रात दिन अपनी सेवा करवाते हैं वे लिखती हैं दो साल पुराना शूद्रों से जुड़ा है एक दुख ब्राह्मणों की सेवा की आज्ञा देकर झूठे मक्कार स्वयं घोषित भूदेवताओं ने पछाड़ा है और यह बातें आज दलित भोजन जो चिंतन है उसमें साफ तौर पर उभर कर सामने आती हैं अंबेडकर ने इन विचारों को बहुत ही तार्किक और ठोस तरीके से रखा लेकिन अगर हम इसकी शुरुआती स्वरूप को देखें तो वह सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले के कामों में नजर आता है और सावित्री बाई फुले ने अपनी कविताओं से इसे बहुत ही मजबूत रूप में प्रस्तुत किया वे यह कहती हैं कि ब्राह्मणों के, के लिए जिम्मेदार मनुस्मृति के रचयिता मनु को इस बात के लिए आड़े हाथों लेती हैं जिसमें यह कहा गया है कि जो हल चलाता है जो खेती करता है वह मूर्ख है दरअसल सावित्रीबाई फुले इस बात में निहित षड्यंत्र को जानती हैं वह जानती हैं कि यदि शुद्र और दलित खेती करेंगे तो संपन्न होंगे यदि वे संपन्न होंगे तो खुशहाली भरा जीवन व्यतीत करेंगे जिससे वे ब्राह्मणों की मानना बंद कर देंगे तो एक तरीके से जो ब्राह्मणों ने एक ऐसी संरचना बनाई जिसमें शारीरिक श्रम को हीन माना गया शारीरिक श्रम से जुड़े कामों को बेहतर काम नहीं माना गया बल्कि अन्य कामों को जिसे वो करते थे उसको सबसे सर्वश्रेष्ठ काम की संज्ञा दे उसको वो आड़े हाथों लेती हैं, उसकी वो निंदा करती हैं। मनुस्मृति के रचयिता को खरी खरी सुनाते हुए कहती हैं कि हल जो जो चलावे, खेती जो करे, वे मूर्ख होते हैं कहे मनु मत करो खेती कहे मनुस्मृति धर्माज्ञा की करे घोषणा ब्राह्मणों की तो एक तरीके से वो इस बिंदु को रेखांकित करती हैं कि कैसे एक जो शारीरिक श्रम की अवज्ञा है उसका अपमान है वो मनुस्मृति में निहित है सावित्रीबाई ने सबसे ज्यादा अपनी कविताओं के माध्यम से शिक्षा प्राप्ति की अलग जगाई उन्होंने अपने सामाजिक कार्यों द्वारा यह अनुभव किया था कि शिक्षा के बिना खासकर अंग्रेजी शिक्षा के बिना शुद्र अतिशुद्र तथा कथित मुख्य धारा के विकास में शामिल नहीं हो सकते अत वह शुद्र अतिशूद्रो को अंग्रेजी पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती हैं और अपनी कविता में अंग्रेजी को अंग्रेजी मैया के नाम से संबोधित करती हैं वे लिखती हैं अंग्रेजी मैया अंग्रेजी मैया है मुगलाई नहीं बचा अब पेशवाई अंग्रेजी मैया तूने तोड़ डाली जंजीर पशुता की इंसानियत की बौछार सारे शूद्र जनों पर तो ये एक तरीके से अंग्रेजी के महत्व को का जो एक वो आ, एक अंगीकार करती हैं उसे जिस तरीके से प्रस्तुत करती हैं असल में हम आगे यह हाँ देखेंगे कि बहुत सारे अन्य चिंतकों ने बार बार इस चीज को रेखांकित किया कि जो अंग्रेजी है वो उनके लिए मुक्ति का रास्ता है और इस रूप में इन्होंने भी अपनी कविताओं में इन बातों को रेखांकित किया सावित्रीबाई फुले ने भारतीय इतिहास पर ज्योतिबा फुले के व्याख्यान से संबंधित चार पुस्तकों का संपादन किया उन्होंने अठारह में स्वयं अपने भाषणों को भी संपादित किया उन्होंने बहुत ही सरल भाषा में सभी को बहुत अच्छा संदेश दिया कि कड़ी मेहनत करो अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छा काम करो 28 नवंबर 1890 को नियति ने उनके पति महात्मा फुले को उनसे छीन लिया सावित्री बाई ने अपने हाथों से अपने सबसे महान गुरु और संरक्षक महात्मा फुले का अंतिम संस्कार किया एक बार फिर से वे समाज के सामने उदाहरण बनी आज के दौर में अगर हम देखें तो भी यह घटना असामान्य मानी जाती है और अगर हिंदू समाज में कोई या हिंदू धर्म के भीतर कोई महिला अपने पति या पिता को मुखाग्नि देती है अंतिम संस्कार के समय तो भी यह खबरें अखबार में पढ़ने में आ जाती हैं अखबार में छप जाती हैं तो हम यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि, कि कितना बड़ा और कितना मजबूत कदम आ, सावित्री बाई फुले ने उठाया था और उन्होंने अपने पति के अंतिम संस्कार में रूढ़िवादी परंपराओं को खारिज किया था वह भारतीय इतिहास की ऐसी पहली महिला बनी जिन्होंने अंतिम संस्कार जैसे अनुष्ठान में भी महिलाओं के लिए समान अधिकार की वकालत की और दस मार्च अठारह को प्लेग के कारण सावित्री बाई फुले का निधन हो गया प्लेग महामारी में सावित्री बाई प्लेग के मरीजों की सेवा करती थी एक प्लेग के छूत से प्रभावित बच्चे की सेवा करने के कारण इनको भी छूत लग गया और इसी कारण से इनकी मृत्यु हो गई उनके सम्मान में वर्ष 2014 में पुणे विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सावित्री बाई फुले विश्वविद्यालय कर दिया गया यह भी ध्यान देने की बात है कि आ, जो महिलाओं की स्थिति थी उस समय महाराष्ट्र में शिक्षा के मामले में जो तथा कथित अछूतों की स्थिति थी उसकी आ, उसके बारे में काम करना बहुत ही मुश्किल काम था और 19वीं सदी के आखिर में भी लड़कियों की शिक्षा के लिए सामाजिक अधिकार सामाजिक स्तर पर बहुत अनुकूल माहौल तैयार नहीं हो पाया था मसलन महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में वर्ष अठारह सौ के मध्य एक राष्ट्रवादी विमर्श चल रहा था जिसमें तिलक सहित बहुत से राष्ट्रवादियों ने राष्ट्रता की क्षति का हवाला देते हुए लड़कियों और गैर ब्राह्मणों के लिए स्कूलों की स्थापना का विरोध किया था तो हम आगे जब जिन तीन और मुख्य रूप से दो क्योंकि फातिमा शेख का मैं सिर्फ एक जीवन परिचय आपके सामने रखूंगा उनके बहुत से काम हमारे सामने अभी नहीं आ पाए हैं और उसका कारण भी मैं आगे बताऊंगा तो ताराबाई शिंदे और सावित्री बाई फुले के कामों का एक अवलोकन में आखिर में प्रस्तुत करूंगा लेकिन यहाँ जो वर्णन मैंने सावित्री बाई अपने पति के साथ साथ उनके सामाजिक कार्य में लगातार जुड़ी रही लेकिन उनका एक स्वायत्त विकास था विकास हुआ और उनका एक स्वायत्त व्यक्तित्व था और उसमें उन्होंने कई सारे ऐसे काम किए जो एक स्तर पर सामाजिक जड़ता को चुनौती देने वाले थे मिसाल के तौर पर अपने पति के अंतिम संस्कार में बढ़ चढ़कर कर भाग लेना उसमें अंतिम जो भूमिकाएं होती हैं एक व्यक्ति को उसको निभाना या फिर उन्होंने अपनी अपनी कविताओं के माध्यम से जिस तरीके से ब्राह्मणवाद पर चोट की समाज में जो ऊंच नीच की भावना थी उस पर चोट की अंग्रेजी की जो तरफदारी की ये सारी बातें उनको जो उनका जो एक मुख्य योगदान माना जाता है कि उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल को स्थापित किया उससे आगे भी उनके कामों की ओर रेखांकित करती हैं तो इस बारे में थोड़ा सा आलोचनात्मक मूल्यांकन हम अपने प्रस्तुति के आखिरी भाग में करेंगे अभी मैं आपको सावित्रीबाई बाई फुले की सहयोगी फातिमा शेख के बारे में आ, बताना चाहूँगा फातिमा शेख एक भारतीय शिक्षिका थी जो सामाजिक सुधारकों यानी कि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई बाई फुले की सहयोगी थी इनका जन्म 9 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के पुणे शहर में हुआ था फातिमा शेख मियाँ उस्मान शेख की बहन थी जिनके घर में ज्योतिबा और सावित्रीबाई बाई फुले ने निवास किया जब फुले के पिता ने दलितों और महिलाओं के उत्थान के लिए किए जा रहे उनके कामों की वजह से उनके परिवार को घर से निकाल दिया था तब इन्हीं लोगों के यहाँ यानी कि फातिमा शेख और उनके भाई उस्मान शेख के यहाँ इन लोगों ने शरण ली थी वह आधुनिक भारत में सबसे पहली मुस्लिम महिला शिक्षकों में से एक थीं और उन्होंने स्कूल में दलित बच्चों को शिक्षित करना शुरू किया ज्योतिबा और सावित्री बाई फुले फातिमा शेख के साथ दलित समुदायों में शिक्षा फैलाने का के काम आ, में लगे फातिमा शेख और सावित्री बाई फुले ने महिलाओं और उत्पीड़ित जातियों के लोगों को शिक्षा देना शुरू किया उस्मान शेख ने फुले दंपत्ति को अपने घर की पेशकश की थी और उन्हीं के परिसर में इस, एक स्कूल चले ऐसी सहमति भी उन्होंने दी थी 1848 में उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख के घर में एक स्कूल खोला गया फातिमा और सावित्रीबाई फुले ने मिलकर समाज में शिक्षा के प्रसार के लिए काम किया और उन्होंने हर संभव से यानी कि फातिमा शेख ने हर संभव तरीके से सावित्रीबाई फुले का समर्थन किया फातिमा शेख ने सावित्रीबाई फुले के साथ उसी स्कूल में वो पढ़ाती थीं उनके साथ जाती थीं तो एक सहयोगी के रूप में वो हमेशा रहीं यद्यपि इनके बाद के जीवन के बारे में अभी तक तो कोई सुव्यवस्थित जानकारी उपलब्ध नहीं है लेकिन यह माना जाता है कि कि 1850 के दशक के दशक आखिर में में इनका विवाह हो गया था और यह पुणे से दूर चली गई थी यह भी माना जाता है कि इनकी मृत्यु वर्ष हुई इसमें कोई संदेह नहीं कि सावित्री बाई ने लड़कियों के लिए स्कूल खोलकर अत्यंत महत्वपूर्ण काम किया और अब बहुत से विद्वान और एक्टिविस्ट सावित्रीबाई के सहयोगी के रूप में फातिमा शेख की महत्वपूर्ण भूमिका स्वीकार करते हैं जो आ, फातिमा शेख की भूमिका है उसके बारे में अभी और ज़्यादा अनुसंधान करने की ज़रूरत है लेकिन बहुत सारे एक्टिविस्ट और आजकल आ, जिस तरीके से आ, सावित्री बाई फुले के कामों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है तो ऐसे में बहुत सारे एक्टिविस्ट इस बात को रेखांकित करते हैं कि जिस तरीके से हम सावित्री बाई फुले के संघर्षों को आ, याद करते हैं और उसके बारे में हम ज़्यादा बात करते हैं उसी तरीके से हमें फातिमा शेख के योगदान को भी याद करने की जरूरत है क्योंकि वो कदम दर कदम सावित्री बाई फुले के साथ रही और जिस तरह की यातना या प्रताड़ना सावित्री बाई फुले ने लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना करते हुए झेली उसी तरह की यातना की आ, का, का सामना खुद फातिमा शेख ने भी किया तो एक तरीके से इनके कार्यों पर अभी बात होनी शुरू हुई है और मैंने आपके सामने इनका एक परिचय इसलिए रखा क्योंकि अगर हम सावित्री बाई फुले के काम की बात कर रहे हैं तो हमें फातिमा शेख के बारे में भी एक जानकारी होनी चाहिए अब यहाँ हम आज की जो हमारी चर्चा है उसमें जो तीसरी एक एक्टिविस्ट एक और चिंतक हैं ताराबाई शिंदे उनके बारे में बातचीत करेंगे ताराबाई शिंदे जो हैं वो भी महाराष्ट्र में ही उनका भी जन्म हुआ था और उनका भी कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र ही रहा ताराबाई शिंदे 1850 में इनका जन्म हुआ और 1910 में इनकी मृत्यु हुई वे एक नारीवादी कार्यकर्ता थी और उन्होंने 19वीं सदी के भारत में पितृसत्ता और जाति का विरोध किया था वर्तमान में जो महाराष्ट्र का बुलढाड़ा बड़हाल प्रांत में जो 1850 में बापूजी जी हरी शिंदे के घर में इनका जन्म हुआ तो महाराष्ट्र प्रांत के बुल्ढाड़ा नामक स्थान पर और इनके जो पिता थे वह और खुद ये इनके पिता जो थे वो राजस्व के उपायुक्त के कार्यालय में थे और बाद में जो तारा शिंदे हैं वो सत्यशोधक समाज के, के साथ भी एक इनका जुड़ाव रहा इनके पिता राजस्व के उपायुक्त के कार्यालय में एक रेडिकल और प्रमुख क्लर्क थे उन्होंने अठारह में हिंट टू द एग्जीक्यूटेड नेटिवस नाम नामक एक पुस्तक प्रकाशित की इस क्षेत्र में लड़कियों के लिए कोई स्कूल नहीं था ताराबाई इकलौती बेटी थीं और उनके पिता ने उन्हें मराठी संस्कृत और अंग्रेजी पढ़ाई उनके चार भाई थे आ, तो एक तरीके से हम यह कह सकते हैं कि जो ताराबाई शिंदे थीं उनका जो जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां उनके पिता पहले से पढ़े लिखे थे और वे एक अच्छे सरकारी नौकरी में थे और इसके कारण से ताराबाई शिंदे को अपने इलाके में स्कूल ना होने के बावजूद लड़कियों के लिए स्कूल ना होने के बावजूद एक अच्छी शिक्षा मिली उन्हें मराठी संस्कृत और अंग्रेजी पढ़ाई गई ताराबाई का विवाह बहुत ही कम आयु में हुआ लेकिन उनके पति के उनके माता पिता के घर में आ जाने के बाद से अन्य मराठी पत्नियों की तुलना में उन्हें अधिक आज़ादी दी गई वह अपने प्रकाशित काम स्त्री पुरुष तुलना महिलाओं और पुरुषों के बीच एक तुलना के लिए जानी जाती हैं यह मूल रूप से अठारह में मराठी में प्रकाशित हुआ था यही उनकी प्रसिद्धि का मुख्य आधार भी है और रामचंद्र का यह मानना है कि इस बात की पूरी संभावना है कि एक घटना ने ताराबाई को यह पैम्पलेट यानी कि स्त्री पुरुष तुलना लिखने के लिए प्रेरित किया होगा एक विधवा ब्राह्मण महिला गर्भवती हो गई थी उसने या तो अपने बच्चों को मार डाला या उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया बाद में उस महिला को फांसी की सजा दी गई जिसे आजीवन कारावास में बदल दिया गया और यह घटना जो थी वो उस समय एक बहुत ही सामाजिक रूप से बहिष्कृत करने वाली घटना थी किसी भी महिला के लिए कि अगर वो विधवा है या अगर वो अविवाहित है और वो गर्भवती हो जाए तो, तो यह जो पैम्पलेट है जिसे कि ताराबाई शिंदे ने लिखा उसमें उन्होंने उच्च जाति की पितृसत्ता की आलोचना की है और अक्सर उन्हें पहला भारतीय नारीवादी पाठ माना जाता है उन्हें मतलब उनकी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना को हिंदू धार्मिक ग्रंथों को महिलाओं के उत्पीड़न के स्रोत के रूप में चुनौती देते देने में अपने समय के लिए उन, उनकी जो पूरी कृति थी बहुत विवादास्पद रही आज भी वह विवादास्पद है और उसे बहस का मुद्दा माना जाता है प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा यह मानते हैं कि भारत के कई अन्य भागों की तुलना में महाराष्ट्र में महिलाओं की सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहने की एक लंबी परंपरा रही है उन्नीसवी सदी के आखिर तक महाराष्ट्र में कई ब्राह्मण लड़कियां शिक्षित हो गई थीं और वे शिक्षक या डॉक्टर भी बन चुकी थीं ये जो महिलाएं जो शिक्षित हुई थीं और जो जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़ रही थी निश्चित रूप से ये समाज के सबसे उच्च वर्ग से थी यानी कि ये ब्राह्मण अधिकांश ब्राह्मण परिवारों से जुड़ी हुई महिलाएं थी हमने पंडिता रमाबाई के बारे में पढ़ा सावित्री बाई फुले जरूर इसका अपवाद थी और कई अन्य महिलाएं भी इसका अपवाद रही होंगी लेकिन रामचंद्र गुहा का तात्पर्य यह है कि मोटे तौर पर जो समाज का एक ऊपरी तबका था जो ब्राह्मण परिवार की लड़कियां थी वो शिक्षित हो रही थी और इनमें से जो ताराबाई शिंदे थी वो भी सावित्री बाई फुले की तरह एक गैर ब्राह्मण थी और एक गैर ब्राह्मण लड़की के रूप में ताराबाई शिंदे ने जिस तरह से स्त्रियों की मुक्ति का प्रश्न प्रत्यक्ष रूप से उठाया वह अपने आप में अद्भुत था इस दौर में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे थे लेकिन ताराबाई शिंदे के लेखन और प्रयासों का यह है कि उन्होंने सीधे तौर पर पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता की की बात की। इस तरह उन्होंने पुरुषों के प्रभुत्व को सुनिश्चित आ, किया कि वे सांस्कृतिक व्यवस्थाओं और सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों के कारण लाभ की स्थिति में हैं और उसे उन्होंने चुनौती दी और उन्होंने अपनी कृतियों की कृति के माध्यम से अपनी रचना के माध्यम से ये बताया कि किस तरीके से जो पूरी सामाजिक व्यवस्था है उसमें स्त्रियां जो हैं वो कमजोर स्थिति में हैं और पुरुष काफी मजबूत स्थिति में हैं और अपनी इस पूरी चर्चा में या अपने इस पूरे लेखन में उन्होंने पुरुषों की जो एक तरीके से उनका दिखावापन है उनका पाखंड है और महिलाओं के प्रति जो उनका भेदभाव का नजरिया है उसको उजागर किया ताराबाई सिंदे के लेखन का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले रोजा ओ हैं का मानना है कि यह मुमकिन है कि ज्योतिराव फुले और ताराबाई शिंदे के बीच में कभी मुलाकात हुई हो लेकिन ज्योतिराव फुले उनके मतलब ऐसा हो भी सकता है कि मुलाकात हुई हो और शायद नहीं भी हुई हो और लेकिन उनके पिता जो थे वो कुछ हद तक जुड़े हुए थे ज्योतिराव फुले के कामों से लेकिन ज्योतिराव फुले उनके काम से परिचित हैं दोनों के बीच दोनों के नज़रिए में काफ़ी समानता थी ताराबाई शिंदे के लेखन का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले रोजालैंड ओ हैंडलॉन के अनुसार यह मुमकिन है कि ज्योतिराव फुले और ताराबाई शिंदे के बीच में कभी मुलाकात न हुई हो हालांकि यह एक विवादित प्रश्न है और अलग अलग लोग इसके बारे में अलग अलग विचार व्यक्त करते हैं लेकिन ओ हैंडलॉन का यह कहना है कि अगर मुलाकात नहीं भी हुई थी तब भी ज्योतिराव फुले ताराबाई शिंदे के काम से परिचित थे दोनों के नज़रिए में काफ़ी समानता थी और ओ का यह मानना है कि फुले अपने सहयोगियों के बीच ताराबाई को प्यारी बेटी के रूप में उद्धृत करते हैं ताराबाई ने लड़कियों की नीति के बारे में बताते हुए लिखा है कि उनके माता पिता उन्हें बहुत प्यार से पालते हैं यानी कि लड़कियों को बहुत प्यार से पालते हैं और उनका विवाह अपना अपनी जाने योग्य व्यक्ति से करते हैं अगर किस्मत अच्छी रही तो सब कुछ अच्छा होता है लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर स्त्रियों की स्थिति बहुत बुरी हो जाती है स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक में वह कहती हैं कि यदि पुरुष पति के रूप में दयालु और प्यार करने वाले नहीं हैं तो भले ही आ, वे अपने वे अपनी पत्नियों को हर प्रकार का आभूषण दें पत्नी हमेशा दुख में रहती है उनका मानना है कि पत्नी के रूप में स्त्रियां अधिकांश मामले में शोषण और बुरे बर्ताव का शिकार होती हैं वे कहती हैं कि इस दुनिया की महिलाएं हर प्रकार की मुश्किलों भूख प्यास यातना और मारपीट का सामना कर रही हैं और वे सिर्फ अपने साथी पति के आ, साथी या पति से प्यार के दो शब्द चाहती हैं यह सच है कि पुरुष घर से बाहर जाकर पैसा कमाते हैं लेकिन महिलाएं घर संभालती हैं पुरुषों के कहे अनुसार काम करती हैं यदि पति महिला के साथ अच्छा व्यवहार करता है तो वह हमेशा प्रसन्न रहती हैं स्त्री पुरुष तुलना की जो ये पंक्तियां हैं उसमें एक तरीके से हम जो लड़कियों की स्थिति है उस पर और जब वो विवाहित हो जाती हैं और वो मानती हैं अपने समय की परंपरा के अनुसार कि उनके माता पिता उनका विवाह करते हैं यानी कि एक जिसे हम अरेंज मैरिज के संकल्पना करते हैं उसको वो सामने रखती हैं और वो ये कहती हैं कि जब वो अपने पति के घर जाती हैं तो उनका पूरा अस्तित्व तो अपने पति के प्रेम या अपने पति के प्यार पर निर्भर करता है और वो ये कहती है कि अधिकांश मामलों में असल में उन्हें इस तरीके का प्यार मिलता नहीं है और होता यह है कि उनका पति उनके साथ भेदभाव का व्यवहार करता है तारा भाई शिंदे जिस बिंदु की ओर ध्यान दिलाना चाहती हैं वो ये कि पति को अपनी पत्नी के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए अगर वो पति यह दावा करता है या समाज में यह माना जाता है कि वह घर से बाहर जाकर काम करता है तो स्त्रियां या औरतें या पत्नियां भी घर को संभालती हैं और यह भी एक काम है। तो यह जो एक समझ है या यह जो एक दावेदारी है, वह काफी महत्वपूर्ण है। नारीवादी चिंतन में हम मैरी वॉशिंगटन क्राफ्ट जैसे लेखिकाओं को देख सकते हैं, जिन्होंने 100 वर्ष पहले, यानी कि 18वीं सदी में अपने लेखन में इसी तरह का दावा किया था। कि जो स्त्रियां हैं उनके साथ पुरुषों को एक अच्छा व्यवहार करना चाहिए और वो इस बात पर जोर देती थी कि स्त्रियों को बाहर जाकर शिक्षा हासिल करने का अधिकार है लेकिन इसके साथ ही उन्हें अपना घर परिवार भी संभालना चाहिए ताराबाई शिंदे की जो दावेदारी है वो और ज्यादा मजबूती से आगे आती है हालांकि वो एक व्यस्त व्यवस्थित संकल्पना के रूप में इसका विकास नहीं करती हैं पर वह यह दावेदारी जरूर करती हैं कि जो घर के भीतर का काम है वह भी काम है और वह एक महत्वपूर्ण काम है हम यह देखते हैं कि आगे जब पश्चिमी चिंतन में नारीवाद का विकास होता है तो घर का जो काम है उसको काम मानने की एक जोरदार मुहिम भी होती है और उस पर एक नारीवादियों के बीच में सहमति भी बनती है और लगातार पुरुषों के या पुरुष प्रधान समाज के इस दावे का खंडन किया जाता है कि असल में जो काम है वो पुरुष करता है क्योंकि वो बाहर जाकर कमाता है तो यहाँ वो परिवार के भीतर एक स्त्रियों की स्थिति को या उनकी पीड़ा को ज्यादा मजबूती से व्यक्त करती हैं और वो इस बात को रेखांकित करती हैं कि स्त्रियों के साथ उनके जो पति हैं या उनके जो जीवन साथी हैं और उनके निश्चित रूप से वो पति की परिकल्पना ही करती हैं इस रूप में तो अः उन्हें एक बहुत ही अच्छा व्यवहार करना चाहिए और दूसरा कि महिलाओं के काम को भी काम माना जाना चाहिए कुल मिलाकर ताराबाई का जोर इस बात पर है कि पति को पत्नियों के साथ दोस्तों की तरह और दयालुता का व्यवहार करना चाहिए और जैसे मैंने बताया कि मेरी वोस्टन क्राफ्ट भी इसी तरह की बात करती थी ताराबाई कहती हैं कि ज़्यादा शिक्षित होने के कारण पुरुषों के पास महिलाओं से ज़्यादा दिमाग होता है पुरुष अपनी इस मानसिक क्षमता का उपयोग अलग अलग तरह से षडयंत्र करने में करते हैं एक तरीके से पुरुषों के पास ज़्यादा दिमाग होता है यह वाक्य जो है हमें समस्यापूर्ण लग सकता है लेकिन ताराबाई शिंदे अपने समाज की परिस्थितियों के अनुसार अपनी टिप्पणियों को रख रही हैं क्योंकि वो यह मानती हैं कि जो ज्यादा शिक्षित होता है उसके पास ज्यादा समझ होती है और जिस समाज में ताराबाई शिंदे रह रही थी जिस समाज में वो लेखन कर रही थी जिस समाज में वो महिलाओं की बुरी अवस्था को देख रही थी उस समाज में उस समय अधिकांश पुरुष ही शिक्षित होते थे और महिलाओं के लिए बहुत कम स्कूल थी और जो पढ़ी लिखी महिलाएं थी वो भी काफ़ी संघर्ष करके शिक्षा हासिल करती थी तो जो एक आम स्थिति थी उसको वो सामने रखती हैं लेकिन इसके साथ ही वो पुरुषों की इस मनोवृत्ति का भी क्योर भी इशारा करते हैं कि पुरुष शिक्षित होने के बावजूद या शिक्षित होने के कारण अपना अपनी बहुत सारी ऊर्जा षड्यंत्र में लगाते हैं और वे ये कहती हैं कि महिलाएं इस तरह के षड्यंत्र से पूरी तरह दूर होती हैं उनका यह कहना है कि दुनिया की सौ महिलाओं में से सिर्फ दस महिलाएं ही ऐसी होती हैं जो पुरुषों की तरह लगातार चालाकी या षड्यंत्र करती हैं ताराबाई यह कहती हैं कि महिलाएं पुरुषों से ज्यादा दयालु होती हैं यह एक तरीके से महिलाओं के कुछ गुणों के प्रति उनकी एक दावेदारी फिर से सामने आती है जहां वो बार बार इस चीज को इस बात पर जोर देती हैं। मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहूँगा कि बाद के दौर में जब रेडिकल फेमिनिज्म उभर कर सामने आया तो उसकी एक धारा के अंतर्गत ये एक एथिक्स ऑफ केयर या परवाह के के सिद्धांत का विकास जिसमें यह कहा गया कि दुनिया को उन गुणों की आवश्यकता है जिन्हें नारीगत गुण माना जाता है जिसका इशारा ताराबाई शिंदे भी कर रही हैं कि चालाकी का ना होना प्यार से चीजों को संभालना दोस्ती और परवाह को महत्व देना तो ये जो एक सूत्र हैं वो ताराबाई शिंदे के लेखन में भी हम देख सकते हैं और वो ये बार बार रेखांकित करती हैं कि जो महिलाएं होती हैं वो पुरुषों से ज़्यादा बेहतर होती हैं क्योंकि वो चालाकी नहीं करती हैं क्योंकि वो दयालु होती हैं क्योंकि वो संबंधों में ईमानदार होती हैं कौन कौन सा अब, 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 ये वो कहती हैं कि बहुत से लोग यह मानते हैं कि अब, महिलाएं ज़्यादा बेपरवाह होती हैं लेकिन हकीकत यह है कि पुरुष जो होते हैं वो महिलाओं की तुलना में ज्यादा घातक और षड्यंत्रकारी होते हैं उनका यह कहना है कि जो महिलाएं होती हैं वे अपने जीवन साथी के प्रति ज्यादा वफादार होती हैं और अगर वो कभी बेवफाई करती भी हैं तो उसके पीछे मुख्य कारण यह होता है कि दूसरे पुरुष के द्वारा उनको भड़काया जाता है ताराबाई शिंदे कहती हैं कि अभी माना जाता है कि महिलाएं हर तरह की बुराई का स्रोत होती हैं लेकिन सच्चाई इसके उलट है जब महिलाएं गलत कार्य की ओर जाती हैं तो मुख्य रूप से पुरुष ही इसके पीछे एक कारण के रूप में होता है माता पिता के द्वारा अपनी बेटी का विवाह पहले से ब्याही व्यक्ति आ, करने की प्रथा का भी वे विरोध करती हैं ताराबाई शिंदे यह कहती हैं कि यदि महिलाएं जिनका कि गलत विवाह होता है और वो विवाह से निकलकर बाहर चली जाती हैं तो इसका दोष उन पर कम जाता है उनके माता पिता पर ज्यादा जाता है तो एक तरीके से जो अरेंज मैरिज की जो पूरी प्रणाली है और उस प्रणाली में जिस तरीके से आर्थिक विपन्नता के कारण और अन्य सामाजिक दबाव के कारण माता पिता कई बार लड़कियों के पसंद का ध्यान ना रखते हुए उनका विवाह कर देते हैं तो उस पूरी प्रथा पर भी वो प्रश्न चिन्ह लगाती हैं और यहाँ पर वो इस सवाल को लेकर आती हैं कि महिलाओं के पास अपनी एक एजेंसी है और उन्हें अगर ऐसा लगता है कि वो इस तरह के वैवाहिक व्यवस्था में संतुष्ट नहीं हैं और वो भाग जाती हैं अपने पति का घर छोड़कर कहीं और चली जाती हैं, तो इसका दोष उनसे ज्यादा उनके माता पिता पर जाना चाहिए इनका यह भी कहना है कि विवाह के मामलों में पुरुष और स्त्रियों के बीच पूरी तरीके से असमानता है पुरुषों की तरह स्त्रियों को चयन की स्वतंत्रता नहीं है और वो ये कहती हैं कि बहुत सारे पुरुष साधु बनने के बाद भी छल कपट से रहित नहीं हो पाते हैं और वे महिलाओं को भोग की वस्तु के रूप में ही देखते हैं निश्चित रूप से इनका यह कहना है जब वो कहती हैं कि महिलाओं के पास ज़्यादा विकल्प नहीं हैं उनके पास चयन की स्वतंत्रता नहीं है तो वो एक खास तरह की सामाजिक स्थिति का भी वर्णन करती हैं हम अब उस सामाजिक स्थिति में कुछ हद तक बदलाव देख सकते हैं लेकिन मोटे तौर पर अभी भी हम इस स्थिति को ग्रामीण अंचलों में देख सकते हैं कि जब शादी विवाह का मसला होता है तो लड़कियों से उनकी पसंद उनकी नापसंद के बारे में नहीं पूछा जाता है कई बार लड़कों से भी नहीं पूछा जाता है लेकिन आम तौर पर हम यह देख सकते हैं कि लड़कों के पास वो विकल्प चुनने की स्वतंत्रता ज्यादा होती है तो कुल मिलाकर जो ताराबाई शिंदे वो यह कहना चाह रही हैं कि कि ये जो पूरी व्यवस्था है जिसमें जिसे हम एक सोसाइटी के रूप में जान सकते हैं जहाँ पर पुरुष और स्त्री के संबंधों को स्वाभाविक माना जाता है उस व्यवस्था का वो वर्णन करती हैं और उसी व्यवस्था के भीतर जो स्त्रियों की स्थिति है उसको रेखांकित करते हुए यह कहती हैं कि महिलाओं को ज्यादा स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती है अपना विकल्प चुनने की तो एक तरीके से वो यह भी बताती हैं कि कैसे अगर महिलाएं जो सामाजिक रूप से वर्जित काम अगर किसी चीज को माना जाता है वो करती हैं तो उसके पीछे कारण असल में जो पुरुष प्रधान समाज है जिसे नारीवाद के भीतर पितृसत्तात्मक समाज भी कहा जाता है उसका दोष है वो इस बात को भी रेखांकित करती हैं और कई बार इस तरह की टिप्पणियां हमें समकालीन समय से जुड़ी हुई भी लग सकती हैं कि असल में जब पुरुष जो होते हैं वो साधु बन जाते हैं बहुत से पुरुष वो तब भी अपने आप को छल कपट से रहित नहीं कर पाते हैं और वे महिलाओं को भोग की वस्तु के रूप में ही देखते हैं और इसके कई सारे उदाहरण समकालीन समय में भी मिल जाते हैं कुल मिलाकर जो उनका बड़ा तर्क है ताराबाई शिंदे का वह यह है कि असल में जो महिलाएं होती हैं वो छल कपट से रहित होती हैं या उनमें उतना छल कपट नहीं होता है जितना पुरुषों में होता है जो पुरुष होते हैं असल में वो छल कपट से रहित होते हैं और सामाजिक रूप से जिसे सबसे अच्छी वेशभूषा माना जाता है जिसे सबसे अच्छे आचरण वाला स्थान माना जाता है यानी साधु संत बनने का स्थान जब वो वहां पहुंच जाते हैं तब भी वह इससे मुक्त नहीं हो पाते हैं एक बहुत ही रोचक बात ताराबाई शिंदे अपनी इस पुस्तिका में कहती हैं वो ये कहती हैं कि खुद पुरुष जो हैं उन्होंने ही महिलाओं पर अविश्वास को बढ़ावा दिया है और इसमें ऐसे भी व्यक्तित्व तो सम्मिलित रहे हैं जिन्हें पूरे समाज में ईश्वर के रूप में पूजा जाता है ईश्वर माना जाता है और ये एक तरीके से जो ये पूरा उदाहरण है वो ताराबाई शिंदे की सोच के रेडिकल पहलू को भी दिखाता है जहाँ वो स्त्रियों के अधिकारों स्त्रियों के चरित्र और व्यक्तित्व की बात करते हुए उन सभी बनी हुई मान्यताओं को प्रश्नाकित करती हैं जहाँ से ऐसा लगता है कि नहीं आ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो समाज में धर्म के आधार पर या ईश्वर के आधार पर बनी हैं इसलिए उन्हें मान लेना चाहिए अपनी इस बात को साबित करने के लिए कि असल में जिन्हें ईश्वर के रूप में माना जाता है उन्होंने भी स्त्रियों को अविश्वास से देखा है या उन्हें अविश्वास का कारण माना है उसमें वो कृष्ण का एक उदाहरण देती हैं कि कैसे उन्होंने अर्जुन को महात्मा का भेष धारण कर सुभद्रा को अपहरण कि किया आ, लेकिन इन सब बातों के बावजूद उनका कहना है कि हमेशा औरतों को ही परिवार या राज्य को बर्बाद करने वाला माना जाता है यानी कि वो एक बनी हुई सोच पर हमला करती है और इस संदर्भ में आ, वो सीता की अग्नि परीक्षा की भी का भी उल्लेख करती हैं और उनका यह कहना है कि जब सीता ने अग्नि परीक्षा दी तब भी उन्हें ही दोषी माना गया और वो सवाल करती हैं कि क्या ऐसा करने वाले रामचंद्र महान हो जाते हैं मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस प्रकरण से परिचित होंगे कि किस तरीके से जो जब लंका जीत लेते हैं श्री राम तो वो सीता को अग्नि परीक्षा देने के लिए कहते हैं और उसके बाद भी जब उनके राज्य में कुछ लोग इसके बारे में गलत तरह से बात करते हैं तो वो सीता को अपने राजमहल से बाहर निकाल देते हैं तो ये जो एक पूरी घटना है वो ख़ास तौर पे जो श्री राम या, आ, को भगवान राम का दर्जा दिया गया है और उनके समाज में जो स्थिति है उसको देखते हुए यह प्रश्न खड़ा करना यह दिखाता है कि ताराबाई शिंदे काफ़ी गहरे स्तर पर जाकर पुरुष और महिलाओं के संबंधों पर विचार कर रही थी समाज में जो स्त्रियों की स्थिति है उस पर वे वे विचार कर रही थी। वे महिलाओं को सारी बुराई की जड़ मानने की प्रवृत्ति पर भी हमला करती हैं वेश्यावृत्ति में लगी महिलाओं के पक्ष में बोलते हुए कहती हैं कि आखिर एक वेश्या कौन है क्या आप यह मानते हैं कि उसके भीतर भी उसी तरह का जीवन है जिस तरह से दुनिया के अन्य जीवों के भीतर वे यहाँ लिखती हैं कि औरतें पुरुषों के बगैर अपने पड़ो पर पैरों पर खड़े नहीं हो सकती वह अपने घर में भी ऐसा नहीं कर सकती आ, उनके अनुसार इसका कारण यह है कि महिलाओं को हमेशा ही घरों में बंद रखा गया है और उन्हें घरों से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी गई है अगर हम आ, इन दो पहलुओं पर बात करें और कुल मिलाकर जिस तरीके से ताराबाई शिंदे ने अपने विचार को रखा है उस पहलू पर विचार करें तो हमें ताराबाई शिंदे के लेखन की कुछ सीमाएं भी सामने आ, हमें दिख सकती हैं और उनकी रेडिकल संभावना भी मिसाल के तौर पर ताराबाई शिंदे जो हैं वो अपने लेखन की पूरी की पूरी शुरुआत जो है वो इस बात से करती हैं कि महिलाएं जो हैं वो पुरुषों पर निर्भर हैं और उनके उन्हें किस तरीके से जब उनका उनका विवाह हो जाता है तो उन्हें अपने पति का प्यार या अपने पति का साथ या सम्मान चाहिए होता है और इससे आगे बढ़ते हुए वे बार बार इस बात पर जोर देती हैं कि महिलाओं के बारे में जो अलग अलग तरह की धारणाएं समाज में बना ली गई हैं वो सभी धारणाएं असल में पुरुषों के द्वारा बनाई गई हैं हकीकत यह है कि महिलाएं ज्यादा ज़्यादातर महिलाएं अपने मन से सादगी से भरी होती हैं स्नेह से भरी होती हैं संबंधों में भरोसा करने वाली होती हैं और अगर कभी कोई महिला बेवफाई करती भी है तो असल में उसके पीछे किसी पुरुष का ही प्रपंच होता है और वो आगे यह भी कहती हैं कि जो महिलाएं होती हैं असल में आ, उनके साथ हमेशा ही गलत तरीके से व्यवहार होता रहा है अब वो इस संदर्भ में जैसे मैंने पहले बताया कि धर्म ग्रंथों में जो प्रचलित कहानियां हैं उनका भी उदाहरण लेती हैं वो कृष्ण का उदाहरण देती हैं वो रामायण से उदाहरण लेती हैं किस तरीके से सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी उससे पहले वो पुरुष के प्रपंच को साबित करने के लिए साधु महात्माओं को भी प्रश्नांकित करती हैं और वे कहती हैं कि साधु का वेश धारण करने वाले भी स्त्रियों को भोग की वस्तु समझते हैं और इन सब चीजों से जब वो आगे बढ़ती हैं तो वो वेश्यावृत्ति के प्रश्न तक जाती हैं और उनका यह कहना है कि जो भी स्त्री देह व्यापार या इस तरीके के काम में लगी हुई है उसे समाज के द्वारा सबसे हीनतम माना जाता है लेकिन वो इस पूरी प्रवृत्ति पर प्रश्न चिन्ह खड़े करती हैं और उनका यह कहना है कि वो भी एक जीव हैं जैसे अन्य जीव हैं और उन्हें भी सम्मान का अधिकार मिलना चाहिए अब इन विचारों के तक हम जब जाते हैं और इनकी एक आलोचनात्मक परीक्षण करने की कोशिश करते हैं तो कुछ सीमाएं हमें साफ तौर पर दिखती हैं अगर हम नारीवाद की बात करें जो कि बाद के दौर में विकसित हुआ यानी कि जब ताराबाई शिंदे दुनिया से चली गई उसके बाद के दौर में माना जाता है कि यूरोपीय देशों में नारीवाद की पहली धारा आई हालांकि यह भी सच है कि यूरोपीय देशों में छिटपुट करके ऐसे लेखक आते रहे थे जिन्होंने स्त्री पुरुष समानता की बात पर जोर दिया था और कई सारे जो लेखक या चिंतक थे उन्होंने अपनी पुस्तकों के माध्यम से इन विचारों को लोकप्रिय बनाने की कोशिश की थी और कुछ छोटे छोटे आंदोलन भी चल रहे थे और वहां पर अलग अलग तरीके से बातों को रखा जा रहा था मिसाल के तौर पर ब्रिटेन में रहते हुए एनी बेसेंट ने महिलाओं के को गर्भपात के अधिकार देने की वकालत की तो इस तरह की चीजें इस तरह के वाद विवाद भी, भी चल रहे थे हिंदुस्तान में जब ताराबाई शिंदे अपना लेखन कर रही थी तो उन्होंने अपने देश के अपने समाज के अपने परिवेश के अनुभव के आधार पर कुछ बातों को कहने की कोशिश की जब मैं ये कहता हूँ कि उनकी बातों में हमें कुछ सीमाएं दिखती हैं तो उसका सीधा सा मतलब यह है कि जब वो एक स्त्री को पूरी तरह से पुरुष पर निर्भर बताती हैं और फिर उसका कारण ये बताती हैं तो यहाँ तक हमें समस्या लगती है पर उसका कारण वो बताती हैं क्योंकि उन्हें हमेशा घर में रखा गया है तो वो उस कारण की भी सही शिनाख्त करती हैं हालांकि कई बार हमें यह लग सकता है कि वो पुरुषों और महिलाओं के गुणों की व्याख्या करते हुए पुरुषों की गुणों को या पुरुषों के व्यवहार को काफ़ी हद तक समान्यकृत करती हैं और इसी तरीके से वो महिलाओं के व्यवहार को भी समान्यकृत करती हैं और लेकिन निश्चित तौर पे हम अगर आम तौर पर एक मोटी बात कहने की कोशिश करें तो हम भी इसी तरह की बातों को सामने ले आएंगे कि किस तरीके से जो पुरुष प्रधान समाज है उसमें छल कपट और ज्यादा से ज्यादा पानी की चाह मौजूद है आ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आ, हम पूरी तरीके से यह मान लें कि ये पुरुषों के नेचर या उनकी प्रकृति का एक मूल गुण है जो चीज हमें याद रखने की जरूरत है वह यह कि कई तरह के ऐसे विचार हैं जो कि ताराबाई शिंदे के लेखन में हमें बहुत ही सीमित रूप में मिलते हैं लेकिन वो एक सूत्र के रूप में मौजूद हैं मिसाल के तौर पर वो महिलाओं के द्वारा घर में किए जाने वाले काम के महत्व को रेखांकित करती हैं मिसाल के तौर पर वो इस बात को रेखांकित करती हैं कि जो महिला समाज की नज़र में माने जाने वाले सबसे निकृष्ट काम से जुड़ी हुई है उसे भी सम्मान दिया जाए वो इस बात पर भी जोर देती हैं कि जो महिलाएं हैं उनके पास विकल्पों को चुनने का अधिकार नहीं है उन्हें विकल्पों को चुनने का अधिकार होना चाहिए कुछ नारीवादी कुछ रेडिकल नारीवादी कह सकती जो एक तरीके से इस बात की स्वीकार है कि महिलाएं महिलाओं की जो स्थिति है वो उन्हीं के बृक्ष परिभाषित की जा सकती हैं, दूसरा कि वो विवाह और परिवार की संस्था को बहुत ज्यादा पवित्र मान रही है और इसी के बरक्स उन महिलाओं के पूरे अस्तित्व को परिभाषित कर रही हैं कई सारे चिंतक इस बात को मान सकते हैं कि असल में यह जो पूरी संबंधों का जो पूरा जाल है विवाह और परिवार जैसी जो वह भी महिलाओं के लिए जकड़न का काम करती है और अगर आप रेडिकल नारीवाद से परिचित होंगे तो उसमें इस तरीके के तर्क बार बार सामने आते हैं और इससे भी बढ़कर जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि वो धर्म से जुड़े हुए कुछ लोगों की बहुत तीखी आलोचना करती हैं पर इससे आगे जाने का रास्ता बहुत साफ तौर पर वो नहीं बताती है लेकिन हमें यह याद रखने की जरूरत है कि ताराबाई एक 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 व्यवस्थित राजनीतिक चिंतक नहीं थी बल्कि वो एक, एक कार्यकर्ता थी एक्टिविस्ट थी और थोड़ा बहुत उन्होंने लेखन किया एक्टिविस्ट के रूप में उनका काम बहुत ज्यादा नहीं रहा परिवार के भीतर उनका ज्यादातर समय गुजरा लेकिन अपने लेखन के माध्यम से और कुछ मुद्दों के माध्यम से उन्होंने कुछ हद तक अपनी विचारों को रखने की कोशिश की और अगर हम इन विचारों को जिस समय लिखे गए उसके परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये काफी रेडिकल विचार साबित होते हैं कुल मिलाकर अगर हम ताराबाई शिंदे और सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख इन तीन शख्सितों की जिनकी हमने चर्चा की और जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि फातिमा शेख के विचारों के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है तो मोटे तौर पर अगर हम सावित्रीबाई फुले और ताराबा शिंदे के विचारों की बात करें तो हमें यह समझना होगा कि दोनों में से दोनों के जो परिप्रेक्ष्य थे वो अलग अलग थे सावित्री बाई फुले जो हैं वो पूरे जीवन एक एक्टिविस्ट कवियत्री और समाज सुधारक के रूप में काम करती रहीं और उनके पति के गुजर जाने के बाद भी उन्होंने कई ऐसे मानक रखे जिससे समाज में जो रूढ़ियाँ थी उनको प्रश्नांकित किया जा सकता था लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि जो सावित्रीबाई बाई फुले हैं उन्हें हम सिर्फ और सिर्फ एक आ, महिलाओं के लिए काम करने वाली समाज सुधारक के रूप में ही सीमित ना रखें उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से जो जाति की जड़ता थी जो जाति के माध्यम से आ, कुछ कुछ खास समूह को दबा कर रखने की स्थिति थी उसे उन्होंने प्रश्नांकित किया और उन्होंने आ, अंग्रेजी के महिमा का भी बखान किया और जैसे मैंने पहले कहा कि उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों पर तीखा प्रहार किया अपने लेखन के माध्यम से भी और अपने व्यवहार के माध्यम से भी यानी कि जब उनके पति का देहांत हुआ तो उन्होंने समाज में जो एक प्रचलित मान्यता थी उसे अलग हटते हुए उनका दाह संस्कार खुद अपने हाथों से किया और तारा ताराबाई सिंधे जो हैं वो एक ऐसी लेखिका के रूप में आती हैं जो कि एक खास समय में सामने आई उन्होंने एक पुस्तिका लिखी जिसमें काफी रेडिकल विचार सामने आए लेकिन उनकी जो सक्रियता की अवधि थी वो बहुत लंबी नहीं रही लेकिन इन दोनों ही विचारों विचारकों का और विशेष रूप से सावित्रीबाई फुले का समकालीन समय में काफी महत्व है सावित्रीबाई फुले जो हैं वो बहुत सारे वंचित समूहों के लिए एक प्रेरणा का काम कर रही हैं उनकी जो लेखन है उन्होंने अपने पति को जो पत्र लिखे वो अक्सर लोगों को प्रेरित करते हैं कि किस तरीके से शिक्षा के माध्यम से समाज में सुधार या बदलाव लाया जा सकता है तो कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दोनों नारीवादी चिंतक के रूप में जिन्हें मैंने प्रस्तुत किया और इनमें से एक नारीवादी चिंतका से आगे, चिंतक से आगे बढ़ते हुए असल में एक सामाजिक सुधारक के रूप में सामने आती हैं तो इनके विचार जो हैं वो काफी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनके विचारों से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि समाज के जो, का जो प्रभुत्वशाली वर्ग था आ, सामाजिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी उससे अलग हटकर जो समूह थे उनके भीतर जो महिला एक्टिविस्ट या महिलाओं के लिए काम करने वाली जो कार्यकर्ता थी जो चिंतक थी जो, या जो जिन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से समाज बदलने की कोशिश की वो किस रूप में सामने आई उन्होंने कैसे विभिन्न समस्याओं को देखा और कैसे उन समस्याओं से निपटने का या उन समस्याओं से आगे जाने का रास्ता बताया मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमारी पूरी चर्चा है उससे आपको सावित्रीबाई फुले और ताराबाई शिंदे के विचारों के बारे में जानकारी मिली होगी मुझे यह भी उम्मीद है कि फातिमा शेख के बारे में और ज्यादा आगे अनुसंधान किया जाएगा हालांकि उनका जो महत्व सावित्री बाई फुले की सहयोगी के रूप में है, वह भी काफी महत्वपूर्ण है कई बार उनका जिक्र राजनीतिक सुविधा के लिए भी किया जाता है क्योंकि एक राजनिति, व्यापक राजनीतिक गठबंधन बनाने के लिए फातिमा शेख का नाम लिया जाता है लेकिन शायद उनके बारे में और ज्यादा अनुसंधान करने की जरूरत है लेकिन हमें यह समझना होगा कि भारत के या आधुनिक भारत के इतिहास के एक मोड़ पर जिन शख्सियतों ने कुछ मुद्दों को उठाया कुछ काम किए वो सभी महत्वपूर्ण हैं और उन उनके कामों का महत्व आगे जाकर और ज्यादा बड़े रूप में सामने आता है तो उस रूप में सावित्री बाई फुले भी हैं और फातिमा शेख के योगदान को भी हमें उसी रूप में देखना होगा मैं यह उम्मीद करता हूँ कि आप इनके बारे में और ज़्यादा व्यवस्थित अध्ययन करेंगे और मुझे यह भी उम्मीद है कि अभी जो हमने चर्चा की उससे आपको इनके बारे में एक सामान्य जानकारी मिली होगी इनके काम के बारे में इनके जीवन के बारे में इनके विचारों के बारे में तो आ, मैं आज की इस पूरी चर्चा को यहीं विराम देता हूँ अगले अंक में हम मिलेंगे और आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के एक अन्य विचारक के बारे में चर्चा करेंगे नमस्कार